तो स्वागत भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो ड्रीम इलेवन सेंट लूसिया टी10 ब्लास्ट लीग आज से स्टार्ट हो रही है, इसका भाई आज के दिन का दूसरा और टूर्नामेंट का भी दूसरा ही मैच जो कि खेला जाएगा LBR वर्सेज IDX के बीच में। तो दोनों ही टीम्स के आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देखोगे ना तो ईजिली भाई आप इस मैच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी विनिंग करने वाले हो। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करते हो ना तो भाई आपका लॉस हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि वीडियो को कंप्लीट जरूर से जरूर देख लीजिएगा। वहीं अगर बात करें यहां पर दोनों ही टीम्स की तो सारी इंफॉर्मेशन मैं लेके आ गया हूं। सबसे पहले भाई बात करेंगे यहां पर डेट एंड टाइमिंग की, तो डेट भाई मैंने यहां पर 7 मई की लिखी हुई, क्योंकि भाई रात को 12 बजे मैच खेला जाएगा और 12 बजे भाई नेक्स्ट डेट लग जाएगी। वहीं अगर बात करें वेन्यू की तो डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच होने वाला है और पूरी की पूरी सेंट लूसिया टी10 लीग इसी वेन्यू पर खेली जानी है। पिच की अगर बात करें तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो बैलेंस्ड विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी खासी हेल्प होने वाली है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बाउंड्रीज थोड़ी शॉर्ट रहेंगी, तो बैटिंग टीम के लिए मतलब जो भी बैट्समैन रहेंगे उनके लिए अच्छी खासी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो अच्छी खासी हिटिंग यहाँ पर कर सके। एवरेज स्कोर की बात करें तो भाई 97/120 के बीच में रहेगा। वेदर की अगर बात करें तो क्लियर रहेगा, बारिश के चांसेस बिल्कुल यहाँ पर ना के बराबर रहने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि विदाउट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। देखिए सबसे ईजी और बेस्ट वे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। सर्च करने के लिए आपको क्या करना है, @KPM321 सिंपली बस आपको इतना ही सर्च करना है और आप हमारे चैनल पर पहुंच सकते हो। यहां पर अगर बात करें तो मैं आपको सर्च करके भी बता देता हूँ @KPM321 सिंपली बस आपको इतना सर्च करना और आपको हमारा चैनल यहाँ से मिल जाएगा। सेम इसी चैनल पर भाई आपको फाइनल टीम मिलने वाली इस मैच की, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर आप दोनों टीम्स के स्टैट्स की, लेकिन उससे पहले भाई वेन्यू के जो रिकॉर्ड्स रहे थे लास्ट सीजन उनकी भी बात यहाँ से कर लेते हैं। एक बार आप देख लीजिए 30 मैच यहाँ पर खेले गए थे लास्ट सीजन, 12 मैच भाई बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया और 17 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने, 1 मैच नो रिजल्ट में एंड हुआ था। वही अगर बात करें LBR की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स के स्टैट्स की, तो यहाँ पर कुछ प्लेयर्स के स्टैट्स मिसिंग है, उनके स्टैट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो जिन प्लेयर्स के स्टैट्स अवेलेबल है अभी हम उनको देख लेते हैं एक बार। यहाँ से MNA एडवर्ड्स की बात करें तो आप देख सकते हो 7 मैच में यहाँ पर 67 रन है, गजब के मतलब प्लेयर और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंडले इमैनुअल की बात करें तो इनके स्टैट्स भी नहीं है अभी हमारे पास, जो माइनार्ड थॉमस हैं इनकी अगर बात करें तो इनके भी स्टैट्स अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर इन दोनों के स्टैट्स मेरे को मिलते हैं कहीं से भी ऑफिशियल साइट से तो भाई मैं आपको टेलीग्राम पर ज़रूर से प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। निक एंड की बात करें तो भाई 6 मैच में 87 रन है, बेस्ट बैट्समैन है अपनी टीम का और गजब का प्लेयर रहेगा, जरूर से ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा जो डेरेन जैन पेरे की बात करें तो 6 मैच में 10 रन और 2 विकेट है, ठीक ठाक प्लेयर है, जीएल मिनी जीएल में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वही अगर बात करें क्विंसी सेंट रोज की तो 3 मैच में 62 रन है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, जरूर से जरूर आप इसे ट्राई कर सकते हो। वहीं अगर बात करें यहाँ पर संजय पैम्फिले की तो 7 मैच में 30 रन प्लस 2 विकेट, गजब का प्लेयर है, ठीक ठाक आपको पॉइंट देके जा सकता है। जीएल मिनी जीएल में CVC भी ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में आप इसे एज ए ट्रंप कार्ड ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। वहीं अगर बात करें मिचेल फ्रांसोइस तो अगर इनकी बात करें तो 7 मैच में 6 विकेट है, ये भी आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर रहेंगे, इनको भी आप टीम में ट्राई कर सकते हो। रोमन रामरोज की बात करें 3 मैच में 1 विकेट इन्होंने निकाल रखा। वहीं अगर बात करें ट्रेसी पीटर की तो 4 मैच में 1 विकेट इन्होंने निकाला है। टायरन थर्डेर की बात करें तो 3 मैच में 2 विकेट इन्होंने ऐसे निकाल रखे हैं। वहीं अगर बात करें IDX की टीम की तो IDX की टीम की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 वो आपको से दिखा देता हूं। इनके मतलब मोस्टली प्लेयर्स के स्टैट्स मुझे नहीं मिले, अगर मिलते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊंगा। यहां पर आपको खेलते दिखेंगे डिलन मार्शियल, 2 मैच खेले भाई 1 विकेट निकाला। इसके अलावा अगर बात करें येडले डप्रेस की बात करें 2 मैच में 7 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा कर्डने कॉन्स्टेंटाइन की बात करें तो 3 मैच में 11 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा भाई किसी भी प्लेयर के यहाँ पर स्टैट्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो गैरवी मिशेल आपको खेलते दिखेंगे, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ से केविन अगस्टिन आपको दिखेंगे, डेलोन नेप्ट्यून आपको यहाँ से दिखेंगे। इसके अलावा भाई बात करें तो ग्रेटर अल्फोंसो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, जोसन जेम्स को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, जोस अल्फोंसो को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भाई जो कैरल मार्शल है जीएल मिनी जीएल में काफ़ी अच्छे प्लेयर रहेंगे। नेल मोनचेरी की बात करें तो इनको भी आप अपनी टीम में ट्राई
ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखिए फाइनल टीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि स्टैट्स तब तक शायद लाइनअप्स आउट होने के बाद है ना काफ़ी ऑफिशियल साइट्स स्टैट्स में चेंजमेंट करते, तो अगर उस टाइम स्टैट्स मिलते तो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड जरूर से करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। सर्च करने के लिए आपको क्या करना है, @KPM321 सिंपली बस आपको इतना सर्च करना और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो चलिए भाई अब यहाँ से बात कर लेते हैं डेमो टीम के बारे में। तो देखिए सिर्फ 2 घंटे बचे हुए हैं, जब आपको वीडियो मिलेगी तब ऑलमोस्ट भाई 1 घंटा 20 मिनट आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। यहाँ से डी नेपच्यून को मैं अपनी टीम में रखूंगा, यहाँ से एडवर्ड्स को अपनी टीम में रखूंगा, के कॉन्स्टाइन को मैं अपनी टीम में रखूंगा। नीचे आके भाई आप ट्राई कर सकते हो ई एमेनुल को, ठीक है। इसके अलावा भाई बात करें तो यहाँ से आपके लिए के ऑगस्टिन मास्टर पिक रहेंगे, इवन सीवीसी के भी अच्छे खासे दावेदार रहेंगे। क्यू सेंट्रल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। इसके अलावा भाई जो नीचे अगर आप ट्राई करोगे तो भाई एस डुप्रेस को आप ट्राई कर सकते हो, या फिर ऊपर से भाई आप एस पैम्पेले को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर टी पैटर और टी थेडोर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा भाई यहाँ से के मार्शल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, यू जॉर्ज और ऊपर से भाई एम फर्नांडिस, इन दोनों में से किसी एक के साथ आप जा सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसके साथ जा रहे हो। बाकी देखिए अगर इन प्लेयर्स में से कोई नहीं खेलेगा तो उन प्लेयर्स की भी आपको सारी अपडेट सारी जानकारी, क्योंकि देखिए दोनों टीम्स का ही पहला मैच है और टूर्नामेंट का दूसरा मैच है, तो यहां पर भाई ऑलमोस्ट फाइनल प्लेइंग 11 बताना और बनाना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो टेलीग्राम चैनल तो आपको ज्वाइन करना ही करना चाहिए। सीवीसी की यहां से बात करें तो कैप्टन के ऑगस्टिन रहेंगे, वीसी की अगर बात करें तो भाई आपके लिए 2-3 वीसी के अच्छे ऑप्शन रहेंगे। ई एमेनुल को आप ट्राई कर सकते हो, ए एडवर्ड्स को आप ट्राई कर सकते हो, या फिर नीचे आके आप एम फर्नांडिस को ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ए एडवर्ड्स के साथ जा रहा हूं। फाइनल टीम में हो सकता है कुछ चेंजेस आपको मैं करता दिखूं, उनकी जो अभी अपडेट होगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इजीली आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए आप इस टीम को देख लीजिए, ये भाई अभी के लिए मेरी डेमो टीम है, इस टीम के साथ आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।